नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के यूट्यूब चैनल में, जो कि IITN मेडिकोज और एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा रन किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा थंबनेल, बिल्कुल वही चीज़ है इसमें कि नीट की कुछ ऐसे न्यूज आए हैं जैसे जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नीट पोस्टपोन ही होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल हेल्थ जो है वो हमेशा एग्ज़ाम के ऊपर ही आपको रखना है, क्योंकि हेल्थ अगर सही रहेगा तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं दोबारा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि UPSC का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया उसको हमने बताया आपको, जो 15 लाख स्टूडेंट्स हैं जिसमें, और उसको चार अक्टूबर को कर दिया गया। लेकिन जो JEE और NEET का एग्ज़ाम है उसमें 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है, लेकिन वो जुलाई में खुल रहा है। और एक अभी नया केस है कि इसराइल में स्कूल ओपन किया गया और 250 केस एक दिन में सर्ज कर गया टीचर, और उसको मिला के 13,000 लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा। यह ऐसा एक न्यूज़ आया था अभी इसराइल का, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ पे अभी डिटेल में आपको बताऊंगा, ऐसा क्या एक न्यूज़ आया है, ऐसी क्या मीडिया हाउसेस में बात चल रही है जिससे पक्का श्योर है कि नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होना ही है। क्योंकि अभी आपको बताया NCHMJEE जो था, जो होटल मैनेजमेंट वाला एग्ज़ाम था जो NTA ही कराती है, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है, तो हो सकता हो ये भी कैंसिल कर दिया जाए। कल आज सुबह तक हेल्थ ओवर एग्ज़ाम ट्रेंडिंग में रहा, एक देख रहे 1129 के ट्वीट्स हुए थे, आप लोग का सपोर्ट था, जो हमने भी बताया था कि आप सपोर्ट एग्ज़ाम ट्वीट करिए, रमेश पोखरियाल MHRD को ट्वीट करके टैग करके करते रहिए, तो आपने किया। ऐसे ही आपको क्या करना है, पोस्टपोन नीट करके आपको, पोस्टपोन नीट 220 करके आपको टैग करना है और ट्वीट करना है आज शाम को 8 से 9 बजे के बीच में। अगर 5,000 से ज़्यादा आप ट्वीट करते हैं तो इसको ट्रेंडिंग में लाएंगे, उनकी नज़र में ये बातें आ जाती है। तो अगर गवर्नमेंट इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकती, कोई भी एग्ज़ाम जुलाई में ले ही नहीं सकती वो, जब इस तरह का मास मूवमेंट चल रहा हो। तो तीसरी ये चीज़ है, एक जो पिटीशन मैंने आपको बताया था कि जो पेरेंट्स के द्वारा साइन किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो 30,000 मेंबर्स तक का था पिटीशन, वो 50,000 मेंबर कर दिया गया है, और लगभग बस 1-2,000 लोग कम है। अब इसको 1,00,000 तक बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे करके ये लोगों को इसमें बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उनका टारगेट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को जोड़ के वो दिखाएंगे कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चों का एग्ज़ाम हो जुलाई में, ठीक है। ये एक ऐसी न्यूज़ थी। तो और उसके बाद इसराइल का जो हमने न्यूज़ बताया वो आपको शुरू में ही, कि 13,000 लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा, तो इन सब से गवर्नमेंट हमारी सबक लेगी, स्कूल कॉलेजेस को नहीं खोलेगी। अभी आपको पता है मंदिर वगैरह जो खुले थे उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि उस अभी नोटिस आई कि मंदिर वगैरह नहीं खुलेंगे, धार्मिक स्थान बंद रहेंगे, क्योंकि आपको पता है ऐसी जगह पर जहाँ पर भीड़ क्राउड बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ चांस है स्प्रेड होने का ज़्यादा कोरोना। तो इसमें हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी सरकार देगी, हालाँकि अभी नहीं बता रही है, ताकि स्टूडेंट पैनिक कर जाएंगे, स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं, हो सकता हो, लेकिन उनको इस पे न्यूज़ कुछ ना कुछ क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। ये बात अगर आपको लगता है तो आप जाके ट्वीट करिए और हमें आप सपोर्ट करिए, ताकि हम आपको ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस जो आप खुद कलेक्ट नहीं कर सकते हम आपको ला के दें, एक जगह पे एक पोर्टल पे ला के दें, नीट की सारी न्यूज़, सारी स्ट्रेटजी, सारी नोटिफिकेशन आप हम पे रिलायबल कर सके। इसलिए आप हमको सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें। और दोस्तों, अभी न्यूज़ जो एक मैंने कल ही न्यूज़ टीवी में मैं देख रहा था, India TV का, उसमें ये कहा जा रहा था कि मानसून जैसे ही अभी आने वाली, आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत राइज कर चुका है, तो अब मानसून आने वाली है, गर्म हवाएं चलेंगी समुद्र की तरफ से, तो जैसे ही मानसून आएगी कोरोना केसेस और बढ़ेंगे, ये कहने की, क्योंकि हमारी अक्सर आप देखते हैं मानसून वगैरह में बढ़ जाती है, तो स्प्रेड ऑफ चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक चांस है कि जब हमारी केसेस, नंबर ऑफ केसेस जब बढ़ेंगे, तो हो सकता है गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कभी नहीं करेगी, ये मेरा मानना है। दोस्तों, अगर आपको इतनी सारी न्यूज़ के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीट को पोस्टपोन हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि आपका हेल्थ एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी न्यूज़ थी दोस्तों। अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी, हमारा काम अच्छा लगता है, तो आप हमें चारों प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे, और इन चारों प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल टेलीग्राम वगैरह पे मिलेंगे, जो हर कोचिंग में आप 10-10, 20-20 देकर खरीदते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ मिल जाएंगे, आप जाके देख लीजिएगा। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि सबको पता चल पाए किस तरह का मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं ये आपको पता चल पाए, और क्या आपका अपडेट आ रहा है नीट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ये सब हम आप तक पहुंचा सके, इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। ऑल द बेस्ट।